हेलो माइनक्राफ्ट, तो आप सभी स्वागत है हमारे अंडरग्राउंड सिटी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम अपने डायमंड आर्मर को मैक्स एन्चेंट करने वाले हैं। जैसे कि हमारे माइनिंग टूल्स में था फॉर्च्यून 100, जिसमें डायमंड बहुत ज़्यादा माइन कर पा रहा था। इसके लिए मेरे को जाना होगा नेदर, क्योंकि भाई नॉर्मल स्ट्रेंथ तो है नहीं, थोड़ा बहुत डायमंड ले लेते हैं जो मैंने वहाँ से माइन किए थे। व्हाट, ये कैसे हो सकता है? मेरे डायमंड इस वर्ल्ड में मेरे अलावा कोई नहीं है, तू मेरे डायमंड कहाँ गए? और मेरे पास टूल्स भी नहीं है जिससे मैंने सारे डायमंड माइन करे थे, कौन हो सकता है? अभी तो मेरे को आर्मर ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। मुझे नहीं पता वो एक एंटिटी है या एक कोई प्लेयर है। अगर प्लेयर भी हुआ तो मेरे को एन्चेंटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं फाइट में इतना अच्छा हूँ नहीं। और अगर एंटिटी हुआ तो मैंने लग गए। कोई नहीं, जल्दी से अपना मैक्स एन्चेंटमेंट करते हैं, और जिसने भी हमारे डायमंड आर्मर डायमंड चुराया है ना, उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे वर्ल्ड में कैसे गए लोग। तो जल्दी से वो एन्चेंटमेंट पोस्ट ढूंढते हैं, तो यहीं कहीं मैंने इसके कोऑर्डिनेट लिखे हुए थे, चल के जल्दी से उठा लेते हैं। ये रहे वो कोऑर्डिनेट। तो भाई लोग, सबसे बड़ी बात ये मैक्स एन्चेंटमेंट 3 बार कर सकता हूँ। तो जैसे पता है, पहली बार में मैंने अपने टूल्स पे किया था, और दूसरी बार में अपने आर्मर में करने वाला हूँ। फिर तीसरी बार के बाद से मैं कोई भी मैक्स एन्चेंटमेंट नहीं कर पाऊँगा। जिस प्रकार से नॉर्मल एन्चेंटमेंट होती है, उसी प्रकार से नॉर्मल एन्चेंटमेंट कर पाऊँगा। तो यहाँ से मेरे को थोड़ी बहुत बुक मिल जाती हैं, जल्दी सारी बुकें मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और मिलता हूँ उससे थोड़ी देर में। तो बोलो, यहाँ मैं अभी मरते मरते बचा, लेकिन कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं जितनी भी बुक इकट्ठा करना चाहता था, उतनी बुक तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत तो इकट्ठा कर लिए। जल्दी से उन सभी बुकों को मैं जल्दी से मिक्स कर लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, हमने अपने आर्मर को मैक्स एन्चेंट कर लिया है। अभी बारी उस तले चोर की है, लेकिन उससे पहले मैं आपको आर्मर दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से कितना मैक्स एन्चेंट किया है, देख लो आप लोग। तो इस एन्चेंटमेंट के बाद मेरे को ना कोई मॉब, ना कोई प्लेयर, कोई नहीं मार सकता। तो चलते हैं सबसे पहले घर। एक सेकेंड, नेदर में घर किसका हो सकता है? चल के देखते हैं, हम चलते हैं जल्दी से। खुल जा गेट, और आए अपन अंदर। और ये क्या लिखा है? वेलकम टू माय ट्रैप। ये बर्ड और ट्रैप। अभी निकलता हूँ, एक सेकेंड। भाई मैं कुछ तोड़ नहीं सक पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं तोड़ पा रहा हूँ। ये पोर्ट गेट कुछ भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? अब क्या करूँगा मैं, अब तो कोई रास्ता नहीं।